ये देखो है इंडक्शन चूल्हा खोल दिया ना? खोल दिया ना? देखो ये खुल गया। अब इसके अंदर का प्रोसेस समझते हैं हम लोग, ठीक ना? समझ। चलो समझा जा। जी सर। तो समझ। फिर से समझा जाएगा। पहला वाला वीडियो में पहले जो है कि कभी भी आप देखो सब सॉरी यार अभी मुझे ज्यादा साला हो गया फगुनिया गुस्सा जाते हैं हमारे। ये क्या बात करता है यार। ले गए थे जी तोड़ दिया। बारात में पनीर बनेगा। शाम को रोटी नहीं मिलता आपको। कोई सेंस है इस बात की? फगुनिया बहुत फेमस नाम है। फगुनिया देखोगे माजी दा माजी दा मार्टो में मूवी देखे हो? नहीं देखे। सब क्या देखना पड़ रहा है? इसी में जो एक लेडीज फेमस नाम हुआ तो बढ़िया ना। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। यूनिक फेमस नाम है। यूनिक नाम है कोई रखेगा जल्दी मतलब कुछ भी माननीय श्री अखिलेश यादव। हाँ ये कर लो पहले। ये हमारा क्या है? इंडक्शन चूल्हा है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही मतलब पूरे के पूरे प्रोसेस पे काम करता है। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर कितने कॉइल होता है। देखिए इसके अंदर है क्या? ये कॉइल। क्या बात समझ में आ रहा है? अब ये जो क्वाइल है इस क्वाइल का बहुत बड़ा रोल है। बस देखिए अगर जैसे हम इसमें से करंट सप्लाई करेंगे तो क्वाइल के अंदर क्या होगा? करंट के मान में चेंजेस तो होते ही जाएंगे क्योंकि करंट का मान हमेशा चेंज होता है 0, 1, 2, 3 एम्पियर से हमेशा। भले ही हम लोग जैसे बटन ऑन करेंगे झट से लाइट चल जाता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं भैया। करंट के मान में धीरे धीरे परिवर्तन होता है वो मान बात ना मानना पड़ेगा, ठीक ना? चलो अब जैसे ही करंट इसमें आएगा हम जानते हैं कि ये मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा यानी चुंबक की तरह काम करने लगेगा। अब चुंबक की तरह काम करने लगेगा तो इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज? अपना एक कर्व बनाएंगे इस तरीके से वक्र बनाएंगे और वक्र बनाना तो उसका काम ही है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे वक्र बनाना चालू करेंगे। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अगर वो का होती है अगर ये कुल मिला करके मान लो कोई भी हमने इस पर बर्तन रख दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? इसके अंदर एंटर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर क्या चीज लगातार एंटर करेंगे। और हमने बताया कि इसके अंदर एक कॉइल ऐसा होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होता है वो पल्सेटिंग होता है। पल्सेटिंग मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा जिस तरीके से स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये कम हो जाता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मान भी कम हो जाता हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास की तो इसमें क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वैद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। वही वैद्युत वाहक बल क्या करेगा? एक धारा को प्रेरित करेगा। लेकिन अब देखो दिमाग देना कि धारा जो प्रेरित करेगा वो जाएगा कहाँ? धारा जो इसमें पैदा होगा जो करंट पैदा करेगा वो जाएगा कहाँ? तो ये देखो ये आपका क्या है? बर्तन है। तो बर्तन में करंट इसमें पैदा हो गया तो करंट जाएगा कहाँ? तो करंट क्या होता है कि आपको ईडी की तरह यानी भंवर की तरह ऐसे घूमने लगता है इसी में करंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वायर है तो दो वायर होने चाहिए। एक क्या होना चाहिए? एक हमारे पास इस तरीके से होना चाहिए एक फेज को जाने के लिए एक न्यूट्रल को इस तरीके से तब तो करंट फ्लो करेगा ना कंप्लीटली रूप से फ्लो कर सकता है। एक फेज होता है जिससे करंट जाता है एक न्यूट्रल होता है जिससे करंट आता है तो दो। लेकिन यहाँ पर तो इसमें कोई न्यूट्रल फेज तो है ही नहीं भैया। तो जो करंट इसमें पैदा होता है वो क्या होने लगता है? घूमने लगता है उसी में ऐसे गोल 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 घूमने लगेगा। उसी को बोलते हैं ईडी। क्या बोलेंगे? वही ईडी करंट है जिसको भंवर धारा बोलेंगे। अब देखिए वो भंवर धारा उसके अंदर घूमता है तो इसके अंदर के जो परमाणु हैं वो भी क्या करते हैं? आपस में घर्षण करने लगते हैं। वो भी रोटेट करेंगे जाएंगे तो आपस में रोटेट करने लगे घर्षण करेंगे तो घर्षण करने के बाद इसमें क्या होने लगेगा? क्या बात समझ में आ रही है? उष्मा पैदा होगा तो ये गर्म हो जाता है। अब देखो बात यहाँ पर आता है कि सर इसमें जो टच करते हैं तो काम क्यों नहीं करता? हम लोग को क्यों नहीं गर्म लगता? बात है कि नहीं? देखिए अब इसमें टच अब ये देखिए कुल मिलाकर मैग्नेट पे काम करता है। हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास करें तब काम कर रहा है। अब हम हाथ रखेंगे तो क्या हमारे हाथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास करेंगे ऐसा कोई काम नहीं होगा क्योंकि मैग्नेट के साथ हम अट्रैक्ट ट्रिपल थोड़े ना होते हैं भैया। इसके तो ये चुंबक के साथ होता है। अरे उसको हमेशा आयरन के साथ होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इसलिए आयरन के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। अब देखो बात यहाँ पर आता है कि हमने बताया था कि इस पे मान लो अगर आप आयरन और स्टील के जगह पर कोई भी बर्तन रखोगे नहीं काम करेगा। क्यों? तो ही हाँ आयरन स्टील अगर एल्युमिनियम वही आयरन लोहा आयरन स्टील वही दो है कि दो रखेंगे तो नहीं काम करेगा। मतलब ये दोनों काम करेंगे आयरन और स्टील और बाकी एल्युमिनियम और कॉपर नहीं काम करेगा। अगर एल्युमिनियम कॉपर के भी तो बर्तन बनाया जाता है हाँ लेकिन रखेंगे तो नहीं काम करेगा। अच्छा कारण क्या है? कुछ भी पकाना होगा तो लोहे इनका एल्युमिनियम कॉपर ये एल्युमिनियम कॉपर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता यानी होगा
आप देखो हमने क्या बोला कि मैग्नेट एल्युमिनियम या फिर कॉपर हो तो एल्युमिनियम कॉपर में जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक के साथ ये कभी चिपकबे नहीं करते हैं। कौन सा एल्युमिनियम है कॉपर हो बर्तन बाकी के लिए बनाया जाता है नहीं पीतल उतल बनाया तक बनाया तो सब पे जाता है। और जैसे चूल्हा पे अगर चूल्हा है लकड़ी वाला चूल्हा है तो उस पर गर्म कर सकते हैं या फिर गैस है उस पर हम गर्म कर सकते हैं लेकिन इस पे नहीं काम करेगा। इस पे दो ही काम करेगा कि आयरन स्टील और भी बहुत सारी धातुएं हो सकती है मतलब मेटल हो सकता है ऐसा बात नहीं लेकिन आयरन और स्टील क्योंकि आयरन और स्टील में क्या होता है पहली बात आयरन और स्टील की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है इसलिए इनका तार नहीं बनाया जाता है। और आयरन और स्टील के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा क्रिएट किया जा सकता है यानी अब हमेशा अगर आप बात करते होगे कि लोहा को हम मैग्नेट बना सकते हैं इस तरीके से है कि नहीं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब पास कर रही है चुंबकीय बल रेखाएं जब पास कर रहे हैं इसमें जो वोल्टेज है वो ज्यादा क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं इसमें ईएमएफ विद्युत वाहक बल ज्यादा क्रिएट होगा तो इसमें ईडी करंट यानी धारा ज्यादा पैदा होगा प्रेरित धारा को ही इसमें ईडी करंट बोला जा रहा है कुछ नहीं है प्रेरित धारा ही क्या है ईडी करंट है। क्या बात समझ में आ रही है बर्तन सर लोहा का नहीं होता है उतना एल्युमिनियम का वो आता है जिसमें हम खाना होना जो लोहिया जो बोल रहे हैं जो लोहिया होता है वो एल्युमिनियम का होता है वो काम नहीं करता है साला स्टील का भी होता है। हाँ स्टील का भी होता है वो काम करेगा एल्युमिनियम वाला नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा क्योंकि ये एल्युमिनियम जो कॉपर है ना ये चुंबकत्व के प्रकृति को बहुत कम शो करता है चुंबक चपक में नहीं करता इससे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको भी नेग्लेक्ट करेगा इसको लेकिन आयरन और स्टील वही इसको एक्सेप्ट करते हैं ज्यादा तो लोहिया में तेल गर्म हो बारात में पनीर बनेगा देखो 100 बात की एक बात बताते हैं ये काम कैसे करता है एकदम कि जैसे ही आप क्या करते हो इसके अंदर इंडक्शन चूल्हा के अंदर जो भी चूल्हा है हमारा इसके अंदर जैसे करंट फ्लो करवाते हो चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है ये हमें और स्टेट में बनाया है। अब यहाँ पर जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आराम से चुंबकीय बल रेखाएं इससे निकलेंगे चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा तो आराम से चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगे और अगर बर्तन रख दिया जाएगा तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करेंगे और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो हमारा कौन सा फैराडे ने क्या बताया था कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर कहीं से पास करें तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल और वैद्युत वाहक बल तो इसमें प्रेरित धारा होगी वही प्रेरित धारा को ईडी करंट बोला जा रहा है। लेकिन ईडी करंट कैसा हो रहा है ईडी करंट इसमें गोल गोल होता है क्योंकि करंट को जाने के लिए एक फेज चाहिए एक न्यूट्रल चाहिए इसमें दोनों नहीं है तो करंट में जाएगा था वही गोल गोल हाँ गोल गोल घूमते रह जाएगा करंट मतलब ईडी करंट वही करंट गोल गोल घूमते रह जाएगा। इसके अंदर के जो परमाणु हैं आपस में वो भी घूमेंगे तो घर्षण करेंगे और जब भी कोई चीज घर्षण करती है तो यहाँ पर धारा जरूर घर्षण करती है तो उष्मा जरूर पैदा होता है। क्या बात है मेरा और वही उष्मा अगर आप हाथ रख दोगे तो ना आप हाथ रखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो फ्लक्स परिवर्तन होना नहीं है वैद्युत वाहक बल पैदा होगा नहीं क्योंकि आप मैग्नेट से कभी अट्रैक्ट नहीं होते बात समझ में आ रहा है। तो कुल खेल है यहाँ पर केवल मैग्नेटिक फील्ड का। क्या बात समझ में आ गया इस तरीके से काम करता है और ये दिमाग में जा रहा होगा सर अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का तो वैल्यू बदलना चाहिए लेकिन आप अगर ऑन कर देते हो तो 5 एम्पियर पर करंट फिक्स हो जा रहा है अगर 50 एम्पियर तो आखिर में फिर फिक्स हो जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बदलेगा नहीं ना। हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें इस तरीके का इसमें क्वाइल है पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का यानी काम आधे काम आधे। क्या बात है पल्सेटिंग का मतलब ये समझिएगा बहुत जुगाड़ लगाया गया ऐसे दूर करो एक बार बंद आया ना हाई वोल्टेज का ये देखो तुम लोग बोला हाँ ओपन कर दीजिए ठीक ना हम बोले कि ये देखो इंडक्शन चूल्हा ओपन कर दे तुम लोग बोला ओपन कर दे नहीं डबल में हो जाएगा ये देखो है इंडक्शन चूल्हा खोल दिया ना खोल दिया देखो ये खुल गया अब इसके